गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर 7 पेज नंबर 50। इसमें हम लोग कुछ शुरू करने के पहले हम उपनिषद के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये वो समय था जब कुछ नए विचारों और धर्मों का विकास शुरू हुआ। कुछ ग्रुप्स फिलोसफर्स के ये चाहते थे कि ये जानना चाहते थे कि हमारी जब मृत्यु हो जाती है आफ्टर डेथ, हमारा जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। दूसरे कुछ ग्रुप के लोग थे जो ये जानना चाहते थे कि हमारे इस लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उनके आइडियाज और टीचिंग्स जो थे उसको एक वैदिक लिटरेचर में के एक को इनके विचारों को इनके टीचिंग्स को एक वैदिक लिटरेचर में संग्रहित किया गया, कलेक्ट करके और रखा गया, जिसका नाम उपनिषद दिया गया। यह हम कह सकते हैं कि उसे उपनिषद कहा गया। राइज ऑफ न्यू आइडियाज द उपनिषद। वर्ड उपनिषद, इसकी लिटररी मीनिंग जो होती है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सिटिंग नियर अ गुरु और अ टीचर हु इज रिवर्स्ड। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे कि गुरु के समीप बैठना या गुरु के सामने बैठना, तो ये इसका उपनिषद का मीनिंग हुआ, लिटरली मीनिंग हुआ। उपनिषद जो था वो फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशंस था, यानी कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो वार्तालाप होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, उसको इस उपनिषद में दिखाया गया था या बताया गया था। और ये मोस्टली लिखे गए थे डायलॉग्स और डिबेट्स के रूप में, जो एक टीचर और स्टूडेंट्स और द डिसिपल, एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक जो वार्तालाप होता है, जो बातें होती है, गुरु जो शिक्षा देता है अपने शिष्य को, वो सारी चीजें इस उपनिषद में लिखी गई। और इसमें इस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया कि जो वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज, कि जो नॉलेज हमारी जानकारी और जो हमारा बिलीव है, विश्वास है किसी चीज पर, उसके मूल्यों पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, उस पर ज्यादा जोर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद जैसे तैत्तरीय, कथा, चंडोग्या और मुंडक, ये उपनिषद थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद थे। जो भी उपनिषद में जो उपनिषद के विचारक होते थे, जो कि इस पर विचार किया करते थे, अपने आइडियाज दिया करते थे, वो मोस्टली ब्राह्मण्स और किंग्स हुआ करते थे। पुअर पीपल को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी
इस तरह के डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने की। सत्यकाम जबाला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इसके एक्सेप्शन थे, यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, या कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी इस तरह के डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने की, लेकिन इन्होंने या इन्हें सत्यकाम जबाला को इन डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने की अनुमति मिली। एक ब्राह्मण टीचर जो थे उन्होंने इनके ट्रूथफुलनेस और उनके लाइफ के बारे में जो जानने की जो इच्छाएं जो थी उसको उन्होंने, ब्राह्मण जो टीचर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उसे अपने एक शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर। बाद में जबाला एक बहुत ही अच्छे उस काल के उस समय के थिंकर्स के रूप में ये सामने। कुछ वोमेन थिंकर्स भी उस समय थी, उसमें वोमेन थिंकर में एक नाम आता है गार्गी का। तो गार्गी जो थी वो महिला विचारक थी, और ये अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन डिबेट्स जो होते थे उसमें इनका जो पार्टिसिपेशन होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका होता था, और इनके जो लर्निंग्स थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और ये रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार में जाकर के और तब वहां डिबेट्स में ये पार्टिसिपेट किया करते थे। जो भी आइडियाज हैं उपनिषद में जो दिए गए हैं वो कुछ वर्षों के बाद और ज्यादा डेवलप हुए। एक महान थिंकर विचारक शंकराचार्य, इन्होंने बहुत गहराई से इस पर अध्ययन किया और उन्होंने अपने आइडियाज को डेवलप किया। उपनिषद में डिस्कस किया गया है उन क्रिएशंस पर, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, ह्यूमन कंडक्ट, मेडिटेशन एंड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड डेथ। मतलब उपनिषद में कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इस वर्ल्ड, इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे बनी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे जन्म लिया मनुष्य ने, मेडिटेशन ध्यान क्या है, और लाइफ और डेथ की जो सच्चाई है उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस इन उपनिषद में किए गए, और इसकी उपनिषद में जो भी चीजें हैं उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन जो होता है वो उसका केंद्र बिंदु वर्शिप और डेवोशन है। वर्शिप यानी कि उपासना और डेवोशन यानी कि भक्ति। तो ये चीजें जो है इन्हीं दो चीजों पर ये पूरा उपनिषद केंद्रित है, या इन कह सकते हैं कि इन्हीं दो चीजों पर पूरा उपनिषद इसके चारों तरफ घूम रहा है, या इसे केंद्र में रख करके और इसी पर विचार किए। ओके?